मैं जनाब इस्लाम पेश करना परवेज़ इलाही नु जिन्ने असेंबली दे अंदर लिख दिता कि नबी पाक तो बाद कोई भी नबी नहीं, नबी पाक आखरी नबी ने। सलाम पेश करना वे गलत नु गलत कहना, सही नु सही कहन दी तमीज रखना। मगर कोई कहे के गलत नु सही कह दवो, अल्लाह दी कसम उठा के कहना गर्दन लथ दिए लथ जावे, मगर गलत नु सही नहीं कहांगा। जेड़ा अच्छा काम करेगा ओदी तारीफ करांगा, जेड़ा गलत करेगा इंशाल्लाह असी छोड़े ला के छड़ांगे, मोछे पवा के छड़ांगे। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल उन्हें अच्छा काम कीता, बड़े लोगा मुखालफत कीती असेंबली दे अंदर, वैसे भी लोगा फेसबुक दे उते बकवास कीती कि इन्ने जनाब गलत कीता, ओदे बारे बकवासात कीती गई। मैं कहना चाहना इन्ना चीजा दी टेंशन ना लीती जावे, जिदो रब दे नबी दी तुसी हुरमत दी हिफाजत करन दे वास्ते चल पवोगे। लोग गालियां कट दे कटी जान, तुसी पक्का वादा कर लो अल्लाह जाम दे जानी जानी है, मर दे जाना है, मगर असी दस के जावांगे कि नबी पाक तो बाद कोई भी नबी नहीं। क्योंकि वनाऊजु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم खा के लोगों से पत्थर वो दुआ देते हैं, रहमत आलम का पैगाम सुना देते हैं। जिक्र सरकार चले जब भी जहां, दिल में शमा जला देते हैं। इनके तज़करे की खुशबू से महकता है जहां,
जलते लम्हों को जो गुलजार बना देते हैं। मुख्तसर हम्दो सना तो बाद इमामुल अंबिया हबीब खुदा नैयर बतहा जीनत काबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर व आला व बाल वास्ते हज़रात मोहतरम कुरान मजीद दी जड़ी आयत मुबारक मैं तुसा अहबाब दे सामने तिलावत फरमाइए। एदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस उम्मत दे अंदर एक ऐसा नबी भेजिया है जेड़ा ओना दे वास्ते हर टाइम अल्लाह दे कोलो रो के तड़प तड़प के दुआवां करेगा। नबी पाक नो अपने दुख ते परेशानियां भुल जांदियां मगर अपनी उम्मत दिया परेशानियां पईयां रहंदियां। अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा हर मौके दे उते अल्लाह दे सामने रो रो के दुआवां कर दे। हजरत मोहतरम मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ करना कि अल्लाह पाक साढ़े सारे आंदा आना बुजुर्ग आए बच्चे आए मावा बहना आईया अल्लाह पाक साढ़ा सारे आंदा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। नबी पाक दे इस दुनिया दे आन तो पहला चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे ने मावा दी कदर कोई नहीं जानदा बाप दे नाल मुहब्बत दा तरीका किसे नु नहीं आंदा खानाए काबा दे अंदर लोग जा करके तवाफ करिया कर दे कपड़े उतार के तवाफ करिया कर दे खानाए काबा दी अजमत नु बचान वास्ते नबी पाक आए माँ बाप दी शान समझान वास्ते नबी पाक आए। नबी पाक तो पहला लोग अपनिया बेटियां नु जिंदा दरगोर कर दे आ कर दे नबी पाक ने आकर के बेटियां दी शान दसी बेटियां दा मुकाम दसिया जिस नबी ने अपने जनाब उम्मतियां नु एक एक छोटी छोटी चीज समझा दीती नबी पाक ने एक एक चीज दस दीती अल्लाह दे हां रो के दुआ करके कहंदे अल्लाह मैं तेरा दीन इन्ना लोगों तक मुकम्मल पहुंचा चलिया। नबी पाक ने जिदो आखरी टाइम है नबी पाक पूछदे ने मेरे सहाबा क्या मैं तुहाडे तक अल्लाह दा दीन मुकम्मल पहुंचा दिता के नहीं पहुंचाया। नबी पाक दे सारे सहाबा बयक आवाज दे अंदर फरमान लगे जी जी महबूब जी सिखा भी दिता समझा भी दिता। नबी पाक फरमान दे अल्लाह तू गवाह हो जा मैं तेरा दीन इन्ना तक पहुंचा भी दिता समझा भी दिता। नबी पाक दे सहाबा फिर साढ़े तक दीन पहुंचाया इस दीन दे अंदर जनाब नरमी ही नरमी है कोई सख्ती नहीं। एवं कोई लोग जनाब कई फिर दे लो जी मौलवियां दे नाल नहीं चलना मौलवी जेड़े ने बड़े सख्त लेवल दे होया करदे ने। हजरात सानू दो ही चीजां आंदियां या रब दा कुरान आंदा या नबी पाक दा फरमान आंदा। असी अपने घरां दे अंदरों दे कोई चीजां लेके नहीं आंदे जुगतां इकट्ठियां करके दे असी नाल लेके नहीं आंदे असी आके किस्से कहानियां दे सुना के नहीं जांदे। नबी पाक दा फरमान सुना करके जाने हां रब दा कुरान पढ़ने हां नबी पाक दियां हदीसां पढ़ने हां दो ही चीजें कोई किस्सा कहानी नहीं। अज मैं इंशाअल्लाह रहमान बयान करांगा नबी पाक अल्लाह पाक ने अपने नबी नु रहमतुलिल आलमीन बना करके भेजिया फिर ओ रहमतुलिल आलमीन नबी अल्लाह दे अगे क्यों रोए क्या नबी पाक ने अल्लाह दे अगे रो के दौलता मंगिया नाना क्या शोरता मंगिया नाना जिदो भी मंगिया अपनिया उम्मतियां वास्ते मंगिया अल्लाह मेरी उम्मतियां नु जहन्नम च न भेजी जन्नत अता कर छड़ी। अल्लाह दे अगे रो के एही दुआवां कीतियां अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत दा की बनेगा रो रो के अल्लाह दे अगे दुआवां कर दे रे। आइए जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ते गौर फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी नु तमाम जहाना वास्ते रहमतुल आलमीन बना करके भेजिया इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबशिरों व नज़ीरा। किते कुरान नबी दी शाम दे अंदर बोलदा फरमाया व मा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलदा नबी पाक दी शाम दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलदा फरमाया महबूबा सी तुहानू तमाम जहाना वास्ते रहमतुल आलमीन बना करके भेजिया इस दुनिया दे अंदर भेजन दा मकसद है वे कि जेड़े लोग जहालतां दे अंदर इन्हां नू निकालिया जावे। नबी पाक ने मां दी शान दसी बाप दा मुकाम दसिया एक दिन तेरे ते मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद आका दा नाम आवे दरूद जरा गज वज के ओए बेलिया हुजूर दिया सुनता अपनाया कर ओए बेलिया हुजूर दिया सुनता अपनाया कर ओए दिन राती सोने ते दुरूद पहुंचाया कर ओए घर रहन गिया हमेशा खुशहालियां रब बे जेदा दुरूद दियां डालियां। एक दिन तेरे ते मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जगह दे उते तशरीफ फरमा मेरे पैगंबर दा सहाबी हजरत अबू हुरैरा आंदे आगे अर्जा करदे सोनिया महबूबा जेरी मेरी माए ना जेरी मेरी अम्मी है तुहानू गालियां कढ दिए मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा अगर कोई होर होवे मैं मार छड्डा क्योंकि तुहाडे ना मुहब्बत है तुहाडे ना प्यार है मगर मां लगदी है माए मां दे उते हाथ नहीं ना उठा सकता। नबी पाक फरमांदे ऐ जे रहमतुल आलमीन दा दरस है नबी पाक फरमांदे ने अबू हुरैरा तेरी मां बुरा कहंदी है मैनू कहंदी है मगर तेरी जन्नत ओदियां कदमां दे नीचे वे जाके अपनी मां दे नाल मुहब्बत ना पेश आना घर दे अंदर जांदे वे अज दा कोई पीर होवे ओ कवे लै तेरी मां तेरा बाबा मैनू गलत कहंदे ने इन्हां नू वैसे ही छड मैं कई तुहानू ऐसे वाकया सुना सकना जनाब वो सीधे ही कहंदे ने लो जी मां बाप ने थोड़ी तुहानू जन्नत च पहुंचाना है बकरा ले आके मेरे किले ना बन जन्नत मैं ले करके दवांगा हजरात इस तरह जन्नत नहीं जे लभिया कर दी जन्नत लभेगी मां बाप दी फरमा बरदारी करके लभेगी जन्नत लभेगी रब नू राजी करके लभेगी जन्नत लभेगी पंजो वक्त दा नमाजी बन जा इन्ना चीजा देवते अमल कर ले एवें बकरे छतरे जाया ना करी अल्लाह दे घर दे अंदर आके रोया कर रो के रब दे कलो मंगिया कर। नबी पाक फरमांदे ने अबू हुरैरा तेरी ते मां लग दिए ना जाके अपने घर दे अंदर अपनी मां दे नाल मोहब्बत करना प्यार ना पेश आना घर दे अंदर जांदे अज मां ने अपने सर दे वाला नु खोल लिता कहंदी है कि अबू हुरैरा अज मैं ना गलियां दे अंदर चली जावांगी अज मैं इन्ना लोगा नू जाके कहांगे मेरा बेटा मेरे ना मोहब्बत नहीं करदा प्यार नहीं करदा अज मैं इन्ना लोगा नू जाके कहांगे। नबी पाक अबू हुरैरा नसदे नसदे आगे सोनिया महबूबा अज ते इंतहा ही हो गई है अज ते अखीर ही हो गई है मेरी मां लोगा नू जाके कहेंगे लोग मैनू कहेंगे तू मां दा गुस्ताख है। नबी पाक फरमांदे अबू हुरैरा फिर रब
खाने विदे मेनू रहमतुलिल आलमीन बना करके भेजे। नबी पाक ने अपने हथा नो उठाया ते मेरा रब नबी दिया हथा नो खाली मोड़े हो ही नहीं जे सकदा। नाल ही फरमाया ठीक है, कल नू मन लिता फरमाया जा जा अबू हुरैरा अपने घर दे अंदर चला जा। हजरत अबू हुरैरा नसदे नसदे अपने घर दे वल जांदे पे ने। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे मैं जाके अपने घर दा दरवाजा खड़काना, अंदरों मां कहंदी है मन दकल बाप कौन दरवाजे ते आना। अबू हुरैरा मां मैं अबू हुरैरा आया, मां कहंदी है अबू हुरैरा ठहर जा मैं गुसल कर रही हां, गुसल करके दरवाजा खोल लिया, गुसल करके दरवाजा खोल के कहंदी अबू हुरैरा मैनू भी कलमा पढ़ा ले जिदा तू मुरीद मैनू ओदा ही मुरीद बना ले। कलमा पढ़ के इस्लाम दे अंदर दाखल हो जांदी है। लोगो गल दसन दा मकसद है कि रहमतुलिल आलमीन नबी है दरस दिता मां दे नाल मुहब्बत दे नाल पेश आया कर वे दो जग अंदर ये तू शान चाने वे दसा अमल ते कर तू ले आ कर वे जिस हाल दे विच होवे माराजी वे उसे हाल दे विच तू जी ले आ कर वे उच्चा बोल न बोली मां अगे वे मां सामने तो लबानो सीले आ कर। कुरान भी ते बोल दे ते फरमाया वो कज़ा रब का अल्लाह ताबुदो हो व बिल वालिदैन एहसाना अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना, अपनी बुढ़ी अम्मी दे अपने बुढ़े अबू जाम दे नाल मुहब्बत प्यार दे नाल पेश आना, इन्ना दे नाल मुहब्बत करनी है प्यार करना। अम्मा जान फरमांदी है हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका नबी पाक दे खलवत भी वेखी, नबी पाक दे नाल दिन भी गुजारे रातां भी गुजारियां। अम्मा जान फरमांदियां मेरे महबूब कदी भी फहोश फहश गुफ्तगु दे अंदर तवज्जो नहीं सी दिया कर दे, ना करिया कर दे ना ही सुनिया कर दे। नाल अम्मा जान फरमांदियां मेरे महबूब गाली गलोच ना निकालिया कर दे ते ना ही सुनिया कर दे। अम्मा जान फरमांदियां मेरे महबूब गाने दे कलो नफरत करिया कर दे, हाय हाय मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने को नफरत कर दे उम्मती गाने दे नाल प्यार कर दे, नबी काल दे कोलो नफरत कर दे उम्मती काल कटना अपने वास्ते सादत दी गल समझ दे। ऐ चुंगी अमर सदू रोड दे उते दो गड़ियां जांदियां होन आपस दे अंदर हल्की जी टक्कर हो जावे ओ भी बाढ़ निकल दे दूसरा भी बाढ़ निकल दे, निकल दिया सिद्धी मां दी गाल कर दे सिद्धी उन्नू दे बाप दी गाल कर दे बहन दी गाल कर दे। मैं तेनू चुंगी दे ठाने जितनवा मांगा ऐसे जो मेरा वाकफ वेखी मैं ऐसा पर्चा करवा मांगा। हजरात ऐसियां गल्ला ऐसियां बातां ना करिया कर, अम्मा जान फरमांदी है नबी पाक नू अल्लाह पाक ने भेजिया नबी पाक दे सिला रहमी दे वल जाया कर दे, नबी पाक सुला करवा दिया कर दे। एक दो गड़ो जिन्ना दे मामलात बने हुंदे दो गड़ो अपनी लड़ाई लेके आया कर दे, नबी पाक ओना दोना गड़ोवां दे अंदर सुला करवा दिया कर दे। ओए मेरा मुहम्मद दे सुला नूं तरजीह दिया कर दा उम्मती अज कहंदे मैं मर जावां मेरा वीर मेरी चारपाई नूं आके हथ ना लावे, मैं मर जावां फला रिश्तेदार साढ़े
घर दे अंदर ना आवे। बाबिया मरन तो पहले भी रब दे नाल गलत गल्लां करके मरना पिया, गलत जुमले बोल के मरना पिया। कहंदा मैं मर भी गया ओ मेरे घर च ना आवे, अगर आ गया मैं उठ के ओनू फड़ लेना, कहो जिया गल्लां करी फिरना। वे साडा नबी दे जनाब सुला करवाया करदा सिला रह, मैनू दर्जी दिया करदा। एक दिन ना तुहाडे ते मेरे पिरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद आका दा नाम आवे, जरा गज वज के जिन्नी गर्मी तुहानू लगदी मैनू भी लगदी है, बरहाल जरा गज वज के बोलो। एक जगह मैं ना मियां साहब है गल कही, मैं कहा जिन्नी गर्मी तुहानू लगदी है, परसों दरस दे विच मैं कहा, मैं कहा उन्नी सानू लगदी। बंदा कहंदा तुसी ते पैसे लैने, मैं कहा तू ही लैते आ जा। बरहाल एवें ही असी पैसों की गल नहीं हजरात, जदों असी मस्जिद के अंदर आ जाने अल्लाह की कसम उठा के कहना, अपनी असी जाना अपना माल नहीं वेखते, बल्कि इस मिंबर ते खड़े हो करके हक बयान करना सी अपना हक समझने हाँ। बड़ियां धमकियां बड़ियां गालां बड़े फोन आंदे ने सी, कदी टेंशन नहीं लीती क्योंकि सानू पता है जेड़ी रात कबर दे अंदर है वो आ करके रहनी है, वो रात कबर दे अंदर ही आनी है। ऐस करके कदी असी इन्ना गल्लां दियां परवाह ते टेंशन नहीं लीती, मेरे ते तुसां दे फिरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो सहाबा। आपस दे अंदर उन्हां दा किसे मामले दे अंदर इख्तलाफ हो जांदा है, झगड़ा हो जांदा है। सही उल बुखारी दी हदीस तेरे सामने रखन लगा। आपस दे अंदर किसे मामले दे अंदर इख्तलाफ हो जांदा है, झगड़ा हो जांदा है। दोनों अपने अपने घरां दे अंदर चले जांदे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर दे अंदर, हजरत उमर फारूक अपने घर दे अंदर चले जांदे ने। घरां दे अंदर जाके दो चार दिन हफ्ता छे महीने तो बाद दिल नरम नहीं होंदे, बल्कि एक दो घंटे तो बाद दिल दे अंदर नरमियां आ जांदियां। ओ रब दे जो होया करते, जो तू रब दा हो जाएगा तेरा दिल भी नरम हो जाएगा, रब तो दूर होवेगा तेरा दिल भी सख्त हो जाएगा। इंज फरमांदे घर दे अंदर जांदे ने हजरत अबू बकर, अपने घर दे अंदर दे दिल नरम होया, कहन लगे के यार मैनू इंज नहीं सी करना चाहिदा। चलो कोई गल नहीं, अगर उमर ने गुस्सा कीता मैं जाना ओदे दरवाजे दे उत्ते जाके माफी मंग लेना। इधर तवज्जो तवज्जो मेरे वल करे, अजे घर दे अंदरों निकल पैंदे ने। इंज अपने घर चो निकल के हजरत उमर, इंज हजरत अबू बकर हजरत उमर दे दरवाजे ते आंदे, आके दरवाजा खड़काया अंदर वाली साइड तो। हजरत उमर पूछते ने मन दकल बाप कौन दरवाजे दे आना, अबू बकर आया। कहन लगे अबू बकर मेरे दरवाजे तो चला जा, तेरे ना मैं गल भी करना नहीं चाहता, मेरे दरवाजे तो चला जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर दे अंदरों निकलते ने, उदो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रहे ने। हजरत उमर दे दरवाजे ते आए ने, उदो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रहे ने। ना नाम दे अंदर कमी आई ना शान दे अंदर कमी आई है। उधरों सुलह दा पैगाम रिजेक्ट कर दिता जांदा है, परेशान हो गए दिल दुखदा है, अखां दे अंदरों आंसू निकल आए के यार उमर तेनू इंज ते नहीं ना करना चाहिदा सी, मैं आया तेरे को माफी मंगन वास्ते। हजरत उमर फरमांदे चला जा मेरे दरवाजे दे उत्तों। चलदे चलदे उस टाइम अदालत दे अंदर चले जांदे, नबी पाक दी अदालत दे अंदर जांदे पेने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना अपना तहमद अपने गोडियां दे तक उठाया होया है। चलदे चलदे मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ ले आंदे पेने। नबी पाक बैठे होए ने, इंज नबी पाक दियां नजरां पैंदियां कि मेरा यार सिद्दीक आ गया है। नबी पाक दियां जदों नजरां पैंदियां कि मेरा यार सिद्दीक आया, नबी पाक ने इंज अदावां वेखियां, आन दा तरीका वेखिया ना समझ के लगता मेरे यार दा किसे ना झगड़ा होया। जो करीब आए नबी पाक फरमांदे
दस न यार सिद्दीक की मामला होया सोनिया महबूबा हजरत उमर दे नाल इख्तलाफ होया मामला बनिया मैं माफी मंगन भी ओदे दरवाजे ते गया मगर ओने सुलह दा पैगाम रिजेक्ट कर दिता रहमत लिल आलमीन नबी दा चेहरा लाल हो जांदा गुस्से दे अंदर आ जांदे ने गुस्से दे अंदर आके मिंबर दे वल जान लगे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे महबूबा उमर नु कुछ ना आखिया जे हथा नु जोड़ देंदे अपने गोडियां दे वजन दे खड़े हुंदे सही उल बुखारी च लिखिया है किसे कहानी नहीं उ सुनाना चांदा अपनी तकरीर नु चार चंद नहीं उ लवाना चांदा सही उल बुखारी दे अंदरो पढ़ के आया इंज अपने गोडियां दे वजन दे उते बैठ के अदब दे तकाजे दे मुताबिक हाथ जोड़ के कहंदे सोनिया महबूबा उमर नु कुछ ना आखिया जे उधरों उमर दा दिल नरम हुंदा है हजरत अबू बकर दे घर दे अंदर जांदे पता चलिया कर्च नहीं है मस्जिद वाल आ जांदे ने जिदो हजरत उमर इंज मस्जिद दे अंदर एंटर हुंदे वेखिया की ये नबी पाक खड़े ने ते हजरत अबू बकर बैठे हुए ने नाल कई जांदे महबूबा उमर नु कुछ ना आखिया जे उमर नु कुछ ना आखिया जे नबी पाक फरमांदे यार सिद्दीक अज साइड से हट जा अज पीछे हट जा मैनू मिंबर दे ऊपर जा लैन दे नबी पाक ने अंज पीछे सिद्दीक नु कीता उमर भी आ जांदा है हजरत उमर आंदे आ के नजरां पईयां कि नबी पाक दा चेहरा लाल होया पिया मिंबर ते खड़े हो जांदे ने नबी पाक मिंबर ते खड़े हो के खुतबा अरशाद फरमाया खुतबा अरशाद फरमान तो बाद नबी पाक ने शाने सिद्दीक अकबर बयान की दिए नबी पाक फरमांदे लोको मेरे यार सिद्दीक नु कोई भी तंग ना करे मेरे यार सिद्दीक नु कोई भी बुरा ना कहे मेरा यार सिद्दीक ते ओवे जिदो लोकी मैनू गालियां कढ़िया कर दे जिदो लोकी मेरे ते पत्थर सुटिया कर दे जिदो तुसी लोग मैनू गलत क्या कर दे उदो मैनू सादक अमीन आखिया कर दा उदो मेरे नाल चलिया कर दा अज तो बाद कोई भी मेरे सिद्दीक नु बुरा ना कहे कोई भी अज तो बाद मेरे सिद्दीक ना नाराज ना होवे रहमत लिल आलमीन नबी ने इतना ऐलान फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे फिर जितनी देर तक मैं जिंदा रहा मेरे नाल किसे भी झगड़ा नहीं ना कीता सारे मेरे ना मुहब्बत ते प्यार दे नाल पेश आया कर दे फिर नबी दा आर्डर आवे नबी दा हुक्म आवे उस टाइम ही कहन वाले के सोनिया महबूबा असी हाजरा असी मन के दिखावांगे उस टाइम मनन वास्ते तैयार हो जांदे ने हजरत अनस फरमांदे ने नबी पाक दा अखलाक बड़ा ही प्यारा उम्मती नु भी चाहिदा कि नबी पाक दे जैसा अपना अखलाक बना लवे नबी पाक जैसा अपना करदार बना लवे हजरत अनस बयान फरमांदे ने लोको नबी पाक दा करदार बड़ा ही प्यार है दस साल मैं नबी पाक दी सेवा की दिए दस साल मैं नबी पाक दी खिदमत की दिए दस साल दे अंदर एक मर्तबा भी नबी पाक ने मैनू झिड़किया नहीं है गुस्सा नहीं ना कीता इंज मैं मुहब्बत दे नाल कहंदा जावां तू भी मुहब्बत दा सबूत देंदा जामी पता चल जे के नबी पाक दे गुलाम बैठे ने हजरत अनस फरमांदे ने ओ सिफत इंज अनस ने बयान कीती ए आका दी मैं सेवा दस साल कीती ए आका सोने शफकत कमाल कीती ए अहमद फुआ चौधरी खुलंदा ही नहीं पिया सिफत इंज सिफत इंज अनस ने बयान कीती है
आका दी मैं सेवा 10 साल कीती है, आका सोने शफकत कमाल कीती है, वे कदी मैनू झिड़किया कदी मैनू झिड़किया दबाया ही नहीं, वे अल्लाह वल्लों ऐसा अखलाक पाया है, सादक अमीन सोने लकब पाया है, वे ओना नोमी आका सीने नाल लाया है, वे जिन्ना कदी झिड़किया वे जिन्ना कदी हस के बुलाया ही नहीं, सोने जया मदनी जया किसे माई जाया ही नहीं, मैं जे मेरा पैगंबर जिस नबी दा कलमा तू मैं पढ़िया, ओ नबी गालां दे तो नफरत करिया करदा, मेरे पैगंबर गालियां तो नफरत करिया कर दे, तू नबी दा कलमा पढ़ के गालियां कढ़ना है, अज जनाब पाऊं दे अंदर अगर जूता पहनन लगे जूता पाऊं दे अंदर ना आवे जूते नू गाली दे देंदा है, इंज अपनी जेब दे अंदर वो फोन आवे मोबाइल निकालन लगे मोबाइल ना निकले मोबाइल नू गाली कढ़ देंदा है, कोई भी काम होवे गड्डी च बैठे गड्डी स्टार्ट ना होवे गड्डी नू गाल कढ़ देंदा है, घर दे अंदर जाके ना बाहर हर एक दे नाल हस हस के बोलदा है, जी 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 असी ते जम्मे ही तुहाडे वास्ते आ, जिस तरह घर दे अंदर दाखल हुंदा है बीवी कवे ना के फलां काम कर छड्डो नाल ही मुंह दे उते 12 बजां दे गुस्से दे अंदर गालां कढ़न लग पैंदा है, बाहर वालियां दे वास्ते 2-2, 4-4, 6-6 घंटे दे पैकेज लगा के फिरदा रहंदा है, घर दे अंदर अपनी जेड़ी तेरे ते हलाल है ओदे नाल हस के गल भी करना गवारा नहीं समझदा, बाहर वाली जेड़ी है ना ਉਹਨੂੰ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆਇਸ਼ਾ ਆਨਾ ਜੇ ਦੌੜ ਲਗਾਈਏ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਖੇਲਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਖਲਾਕ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਲੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਜ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਓਏ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਓਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅਜਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਸੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾੜੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ
बख्श दवी वे जेड़ा नबी तेरे मेरे वास्ते दुआवां करे उम्मत लगी फिरे सज्जे खब्बे उम्मत लगी फिरे एक लड़की दे पीछे उम्मत लगी फिरे जनाब शिरका दे अंदर दरबारां दे उत्ते वे नबी ने दुआवां मंगियां अल्लाह मेरी उम्मत नु बख्श दवी एंज हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका एंज बयान फरमांदियां के नबी पाक ना घर दे अंदर एंज मैं रात नु आराम फरमानी पईयां सुती होईयां नबी पाक मेरे नाल वाली जगह ते लेटे होए ने मुसल्ले दे उपर आ जांदे बिस्तर छड्या मुसल्ले ते आ जांदे ने अम्मा जान फरमांदियां एंज हिचकी दियां आवाजा आंदियां ते मैं वेखनियां के रोंदा कौन पिया कहंदियां मैं एंज मुसल्ले ते वेख्या एंज आंसू निकल निकल के मट्टी दे उपर गिरदे पे ने ओ सारी जगह आंसुआं दे नाल भर जांदी ए हजरत अम्मी जी आयशा सिद्दीका बयान फरमांदियां महबूबा क्यों रोई जांदे ओ नबी पाक फरमांदे ने आयशा मैनूं अपनी उम्मत दा बड़ा ख्याल है अल्लाह ना करे के मेरी उम्मत जहन्नम दे अंदर चली जावे अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तेरी अद्धी उम्मत जन्नत दे अंदर अद्धी जहन्नम दे अंदर फरमाया अल्लाह ना ना अल्लाह मेरी सारी उम्मत नु बख्श दे सारी उम्मत नु जन्नत अता कर दे फरमाया महबूबा इन्ना दे अंदर शिरक ना होवे मैं तेरी उम्मत नु बख्श छड़ांगा इंज रातां नु दुआवां करिया कर दे बकी ते कब्रिस्तान दे अंदर जाके दुआवां करिया कर दे वे कदी मंग दे दुआवां बैके यारा दे विच कदी कल रोंदे जा के गारा दे विच वे कितना एहसास उम्मत वे कितना एहसास उम्मत दसी पीर नो वे तायो सारी उम्र ओ रब नो मनांदा रेया एंज अल्लाह दे अगे रो रो के कहंदे रे ने अल्लाह मेरी उम्मत नु बख्श दे अल्लाह मेरी उम्मत नु बख्श दे अल्लाह अल्लाह वेख ते सही ना हत्ता के नबी पाक नु जिन्ने गाली कढे नबी पाक दे उते जिन्ने पत्थर उठाया नबी पाक नु जिन्ने बुरा किया जिन्ने कूड़ा फेंकिया ओना दे नाल भी साडा नबी मुहब्बत करदे प्यार करदे अज तू कहने मैं जेड़ा जनाब मेरा स्टेटस बड़ा ही ऊपर वाला हो गया मैं बहरिया टाउन दे अंदर रहना डीएचए दे अंदर रहना मॉडल टाउन दे अंदर रहना मैं ते अपने गरीब भैन भाई नु मिलना भी गुवाड़ा नहीं करदा वीर जी मानना के तेरे को पैसा बड़ा है मगर नबी पाक ने फरमाया के बड़ा भाई होवे बड़ी बहन होवे छोटिया दे शफकत करे दे अल्लाह होर अता कर दे मुहब्बत करया कर ना प्यार करया कर पार जनाब वोट लैम दी खातर इलेक्शन ते खलोन दी खातर गरीबां दे सिरां दे उते हाथ रखदा फिरदा है गरीबां दी बच्चियां दी शादियां करवांदा फिरदा है गरीबां दे घरां दे अंदर नलके लवांदा फिरदा है उहनां दे घरां दे अंदर फ्रिजां पहुंचांदा फिरदा है सकी बहन लोगां दे घरां दे अंदर बर्फ मंगदी फिरदी कहंदा तेनू ते कुछ नहीं दवांगा डुब के मर जा तेरी मां जम्मी लोकां दे घरां दे अंदर मंगदी फिरदी है गरीबां दे उते लगाई फिरना अपनी बहन दे नाल मुहब्बत करना अपने वीर दे नाल प्यार करना नबी पाक दा अखलाक वेख लै करदार वेख लै इंज ना इक बुद्धू आंदा मस्जिद दे अंदर बुद्धू आंदा आ के ना इक जगह दे उते मस्जिद दे अंदर खड़ा होके पेशाब करना शुरू कर दिंदा नबी पाक दे सहाबा उठदे ने कि ओनू रोकिए इनू मारिए इनू मस्जिद चो बाहर निकालिए नबी पाक दा करदार ते अखलाक इतना प्यारा रब दा कुरान भी ते तां ही कहंदा नून वल कलम व मा यस्तुरून
رب دا قرآن نبی دے خلا کردار دے بارے بول دا ہے اللہ رب العالمین تعارف کروان دینے اللہ فرمان دینے اپنا تعارف کروایا تے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اپنے نبی دا تعارف کروایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن دا تعارف کروایا فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین خانہ کعبہ دا تعارف کروایا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین اونا نبی پاک نو مجنون آکھیا اونا نبی پاک نو دیوانہ آکھیا اونا نبی پاک نو گالیاں کڈیاں نبی پاک نو رب فرمان دے محبوبا تو نہیں بولنا میں بولاں گا تو جواب نہیں دینا میں دواں گا اونا گالیاں کڈیاں رب کہندا ہے والنجمی اذا ہوا ما زل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى اونا نبی دے بارے اپنی زباناں کھولیاں اونا نبی دے اوتے پتھر مارے اونا نبی نو بڑا وی آکھیا اونا نبی پاک دیاں بیٹیاں دے بارے وی گلاں کیتیاں حتا کہ نبی پاک دی بیوی حضرت امی جی عائشہ صدیقہ اونا دے اوتے وی تبرع کیتا وے نبی تے رحمت للعالمین نبی ہے گالاں کڈن والے نو وی کہندا کہ یار میرے کول آنا وے گالاں کڈن والے آسائیاں جے تو میرے کول تو آوے تینو پھر میں گل نہ لاواں تے تو سیدھا ہی جنت جاوے آ تے سہی نہ میرے کو آ کے بیٹھ دے سہی نہ میں تینو اپنے سینے نہ لاواں میں رب دے کول تینو جنت لے کے دے چھڈا بوجھل جڑا حاجیاں نو ستو پیایا کردا ابو جال جیڑا نبی پاک دے گھر دے سامنے اپنا گھر بنا لیندا ہے کہ نبی پاک باہر نکلن چہرے دیاں زیارتاں وی کریا کردا مگر اونوں کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہویا نبی پاک دے نال پوری زندگی دے اندر جھگڑدا رہیا لڑدا رہیا نبی پاک دے نال دشمنیاں کردا رہیا ایک موقع ایسا آندا مکے دے چونگ دے اندر دوسرے علاقے دے اندر ایک تجارت کرن واسطے ایک بندہ آندا ہے کچھ سواریاں لے کے آندا ہے ہن جو سواری لیندا ہے اودے نال سودا کردا ہے سواری لے کے اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے او بندہ چلدا چلدا ہن جو ابو جال دے دروازے تے آندا ہے آ کے کہندا ہے جناب میرے پیسے دے چھڈو میرا سامان ویکھ گیا میں اپنے علاقے چ جانا چاہنا کہندا کوئی پیسے نہیں دواں گا جا چلا جا جو ہوندا ہی کر لے میں روپیہ ایک نہیں دواں گا او چلدا چلدا اتبہ تے شہبہ کو آندا ہے آ کے کہندا جیڑا ابو جال نا اونے میرے کو سواری لیتی میں پیسے لین واسطے گیا اگوں کہندا ہے میں تینوں کوئی وی پیسہ نہیں نہ دواں گا آؤ نا یار او دے کو مینوں پیسے ہی لے چھڈو او گو کہندے نے کہ ویکھنے ہن نبی پاک نو بھیجنے محمد نو بھیجنے جدوں محمد او دے دروازے تے جائے گا ابو جال بدتمیزیاں کرے گا کہن لگے تینوں ایک بندہ دسنے خانہ کعبہ دے سہن دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے اودے کو چلا جا اودے کو جا کر کے کہنا کہ میرے پیسے ابو جال نہیں دیندا خانہ کعبہ دے سہن دے اندر نبی پاک بیٹھے ہوئے نے اے یار خانہ کعبہ کتنا پیارا لگدا ہوئے گا اج جناب اسی جانے اکھاں نو ٹھنڈک پہ جاندی ہے میں کہنا کہ خانہ کعبہ نو تے چار چن لگے ہون گے کیونکہ میرا محمد محمد
उते बैठा होएगा ते खाने काबा नू चार चन लगे होंगे वे दिन कलो वदलो कोरात खैमके दी दिन कलो वदलो कोरात खैमके दी कदी जाके वेखो वे कदी जाके वेखो क्या बात खैमके दी वे दिन कलो वदलो कोरात खैमके दी वे दुनिया ते शहर लोको होर भी बथेरे ने दुनिया ते शहर लोको होर भी बथेरे ने तुम्मा पैया मक्के दिया चार चुफेरे ने तुम्मा पैया मक्के दिया चार चुफेरे ने ऐस करके खाना है काबा दी अजमत खाना है काबा दी शान खाना है काबा दा मुकाम मैं बयान करना फिर मैं क्यों ना कहा के खाना है काबा नू चार चन लगे होंगे नबी पाक इंज खाना काबा दे अंदर इंज बैठे हुए ने अबू वो जरा बंदा चलदा चलदा आंदा आके कहंदा के जनाब आओ ना आके मैनू पैसे ही लेके दे छड़ो नबी पाक फरमांदे चल ना बेलिया तेरे नाल चलना जाके अबू जाल दे करदा दरवाजा खड़काया अबू जाल इंज दरवाजा खोलदा दरवाजा खोल के कहंदा अज किस तरह आना होया खैर ते है वे मेरे दरवाजे ते आया नबी पाक फरमांदे ने ऐ जेड़ा बंदा मेरे नाल आया एदे कोलो तुसी सवारी लीती है हां हां मैं लीती है नबी पाक फरमांदे ने एदे पैसे देनो अदा कर देने सी नाल ही कहन लगा अच्छा ठीक है उतबा शहबा दे होर भी लोगों नु इकट्ठे करके ना लेके आगे कि अज वेखना इस चौंक दे अंदर तमाशा लगेगा अबू जाल नबी पाक नु बोलेगा लोग तमाशा वेखन वास्ते आए ने ते नबी पाक बड़े मुहब्बत दे नाल अल्लाह दा कुरान पढ़दियां इन्ना लफ्जा नु पढ़ के गए फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास जाके दरवाजा खड़काया अबू जाला इस बंदे दे तू पैसे देने ने कहन लगा हाँ हाँ फरमाया फिर दे पैसे अदा कर अबू जाल अपने घर दे अंदर जांदा है पैसे उठा के ले आंदा है ले आके नबी पाक दिया हत्था दे ऊपर पैसे रख दे नबी पाक पैसे पकड़ के ओनू पकड़ा देंदे ने वो बंदा पैसे लेके चला जांदा है उतबा शहबा आगे आगे कहंदे ने अबू जाल नो अज दे बड़ा डरिया नबी दे कोलों मुहम्मद तेरे दरवाजे ते आया तू डाड़ी गया तेरे रंग ही उठ गए ने फरमाया मैं डरिया अगो कहंदा मैं डरिया ओदे को नहीं जिदो ओ मेरे दरवाजे ते आया उन्हें आके गल की दिए मैं अपनिया अखा ना वेख्या सज्जे खब्बे ओदे कंधिया दे उते शेर बैठे अपने मुंह खोल दे पे ने मैं ओना को डर गया सोनिया जेड़ा बंदा अपने रब दा हो जावे रब भी फिर अपने बंदे दा हो जांदा है जिदो बंदे दा रब हो जावे बंदा अपने रब दा हो जावे ओनू फिर इन्ना गल्लां दियां टेंशनां कोई नहीं रहंदियां आपस दे अंदर सिला रहमी कर लै मेरे ते तुसां दे पिरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद पढ़ो जरा गज वज के मेरे ते तुसां दे पिरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद अज तुसी चलना ते मैं भी चलना नहीं ते भावे तीन वजन मैं भी लगे रहना जरा गज वज के मेरे ते तुसां दे पिरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दा सहाबे हजरत ज़ैद अपनी अम्मी जान दे नाल दुराने सफर ने सफर दे अंदर अपनी अम्मी दे नाल जांदियां जांदियां डाकुआ अपनी मां दे कोलो छीन लेता ले जाके मंडियां दे अंदर फरोहत कीता हजरत अम्मा जी खदीजा ने नबी पाक दे वास्ते गुलाम खरीद लेता लिया के ज़ैद नबी पाक दे हत्थां दे अंदर हथ पकड़ा देंदियां सोनिया महबूबा अज तो बाद ज़ैद तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ
बाबा हजरत जैद चचा दे बाबा उन्होंने किसी ने जाके खबर दीदिया वक्त गुजरता जा रहा है। मां रो रो के अपनी अखा की रोशनाई गवा बैठी है। बाढ़ हवा दे नाल दरवाजा खेलदा है। मां नसी होई जाती है कि हो सकता है मेरा जैद ना आ गया होवे। जेड़े बच्चे गुम हो जान उन्होंने मां बाप नु ही पता होंगे कि बच्चों का कितना सदमा होया कर जिन्हों हथा दे नाल दफन करके आ जाइए दुख दे हुंदा सदमा दे हुंदा मगर यार उन्हों हथा दे नाल दफन जो कीता हुंदा वे हथे जिन्ना नो दफन चकरिए मुकी आस उन्हां दी बिछड़ गया दी पल पल याद सतावे जिन्हों दफन करके आ जाइए दिल नु सकून हो जांदा हाथ दे नाल ही नप के आया हाथ दे नाल ही दफन करके आया मगर जेड़ा बच्चा गुम हो जावे मां बाप दियां रातां दियां नींदां हराम हो जांदियां है। हजरत अबू हुरैरा दी अम्मा रातां दियां नींदां हराम हो जांदियां है। दिन दे टाइम भी परेशान ने रात नु भी परेशान ने रो रो के गुजारे हुंदे पे ने पता नहीं मेरा जैद किस हाल दे अंदर होएगा। लोगां दसिया तुहाडा बेटा जैद दे नबी दी गुलामी दे अंदर बाबा दे चचा चल के आंदे ने आके कहंदे ने सोनिया सानू पता चलिया कि साडा जैद तुहाडी गुलामी दे अंदर साडा बेटा सानू वापस कर छड्डो। नबी पाक नू भी अपनी मुहब्बत दे उत्ते यकीन होया करदा सी। रहमत लिल आलमीन नबी फरमांदे हुणे मैं जैद नू बुला लैना जैद आ जांदा है उन्हों पूछ लैने अगर वह जाना चाहे तो मैं रोकांगा नहीं अगर वह रुकना चाहे मैं टोड़ांगा नहीं उन्हों हुणे ही पूछ लैने। जैद नू बुलाया जांदा है हजरत जैद आंदे ने नबी पाक फरमांदे ने जैद इन्हां नू जानना कौन सोने महबूबा मेरे चचा जान ने मेरे बाबा जान ने फरमाया जैद तेनू लैन वास्ते आए ने इन्हां दे नाल चला जा। फरमाया अपने बाबा नू कहंदे बाबा चले जावो चचा जान चले जावो मैं घर दे अंदर आंदा भी रहांगा आके तुहानू मिलदा भी रहांगा मगर इस नबी नू छड़ के नहीं ना जा सकदा इस नबी दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं ना कर सकदा। ऐ जे रहमतुल आलमीन दा अखलाक ऐ जे रहमतुल आलमीन नबी दा करदार के जेड़ा नबी दे कोल आया नबी दा हो करके रह गया जेड़ा नबी पाक दे नाल आ करके बैठा उन्हें नबी दे उतो अपना धन मंधन कुर्बान कर दिता नबी दे नाल यारियां लाइया जनता दे टिकट लभ गए। यार मैं गल दसना चाहना सके नबी पाक रोया कर दे रो रो के क्या कर दे अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा इत्थे भी रोया कर दे कल अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। कुरान बोलिया फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मालहा जेड़ा मेरा माल मेरे खिलाफ हो जाएगा मेरे हाथ मेरे खिलाफ हो जाएंगे मेरा जिसम मेरे खिलाफ गवाहियां दे लग पिया है बंदे दा पूरा जिसम बंदे दे खिलाफ हो जाएगा। अगे अल्लाह दा कुरान बोलिया फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी वसाहिबती ही व बनी इन्नी देर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर मां आएगी ते मां आके कहेगी अल्लाह मैनू बचा ले मेरे बच्चियां दा रोला ही कोई नहीं है अल्लाह मैनू बचा ले रब्बे नफसी होड़ी होएगी अल्लाह मैनू बचा ले। बाप आएगा बाप अपनी औलाद दे तो जाना कुर्बान कर दे
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਨਬੀ ਵੀ ਆਣਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਨਬੀ ਆਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਉਮਤੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਓਏ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਪਨੇ ਸਦੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਡੋਲੇ, ਯੂਨਸ ਤੇ ਯੂਸਫ ਲੁਕਣ ਸਾਰੇ ਓਲੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਨਬੀ ਇਹੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਓਏ ਜਲਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੰਨਤ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਉਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਤ ਜਾਵੇ ਨਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਆਰਜ਼ੂ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਮਦੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਉਂ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਹਿਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਬਾ ਨਾਮੀ ਉਂਠਣੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਗਮ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ, 7 ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਊਂਠਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
मुहब्बत करिया करदा आज तू गदा गाड़ी चलावे डंडे मार मार के नाल ओनू मावा पैना दिया गालियां कट कट के कहना है तेरे को कम नहीं हुंदा यार मैं कहांगा ओ ते डंगर है तू ते इंसान है फर्क करना आज घर दे अंदर पिंजरे दे अंदर अगर कोई परिंदा रख लवे भुखा ना मारिया करना नबी पाक फरमा दे लोको मैं जहन्नम दे अंदर एक औरत नु वेख्या सोनिया महबूबा की जुड़म ओदा फरमाया बिल्ली है ना बिल्ली ओदे मुंह दे ओदे अज ठोंगे मारदी पई है अपने पांव दे पंजे मारदी पई है सोनिया महबूबा जुड़म की है उस औरत दा फरमाया उन्हें एक बिल्ली नु लियांदा बिल्ली नु लिया के एक जगह दे उते बन दिता ना खाना दिता ना पानी दिता भुख दी वजह तो बिल्ली मर गया जे रब दी अदालत इंसाफ हुंदे पे ने यार बकरी बकरी नु सिंग लगा दवे दूसरी दा सिंग ना होवे रब सिंग अता करके कहन गे अपना बदला ले ले यार केड़ियां नेकियां ले फिरने आ केड़े अमल करी फिरने आ किन्ना वजह तो सानू आखरत दा डर ही कोई नहीं रह गया नबी दी हदीस सुन के कहने आ हदीस ठीक है मौलवी साहब बयान ना करना मौलवी साहब एथे ही रुक जाओ अगे ना दसना वीर जी मेरा हक है मैं नहीं डरदा यार मैं ते बयान करके जाना मैनू कोई खौफ नहीं कई मौलवी अपने इन्ना मिंबरां दे खलो के डर जांदे ने के मेरी मस्जिद दा सदर कट देवेगा मैनू मस्जिद दा फलां खजानजी कट देवेगा यार कोई डर ना रखिया कर अपने दिल दे अंदर हक सच बयान करना शुरू कर दे इज्जत दे अदब दे एहतराम रब करवाया कर दे सच बयान करना शुरू कर दे जिस नबी दा तू मैं कलमा पढ़िया ओदे जिया सोना ना ही कोई आया ते ना ही कोई आना है अज तक उस जैसा कोई ना ही आया ते ना ही आना है फिर जनाब कोई उठ करके कहे के जनाब फलां जेड़ा इलाके दे अंदर ओना नबी कढ़िया उस नबी दी शान नबी दा मुकाम ओना बड़ा कढ़ लिता है अदब करदे ने ओदा एहतराम करदे ने मैं जनाब इस्लाम पेश करना परवेज इलाही नु जिन्ने असेंबली दे अंदर लिख दिता कि नबी पाक तो बाद कोई भी नबी नहीं नबी पाक आखरी नबी ने सलाम पेश करना वे गलत नु गलत कहना सही नु सही कहन दी तमीज रखना मगर कोई कहे के गलत नु सही कह दवो अल्लाह दी कसम उठा के कहना गर्दन लथ दिए लथ जावे मगर गलत नु सही नहीं कहांगा जेड़ा अच्छा काम करेगा ओदी तारीफ करांगा जेड़ा गलत करेगा इंशाल्लाह असी छोड़े ला के छड़ांगे मोछे पवा के छड़ांगे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल उन्हें अच्छा काम कीता बड़े लोगा मुखालफत कीती असेंबली दे अंदर वैसे भी लोगा फेसबुक दे उते बकवास कीती कि इन्ने जनाब गलत कीता ओदे बारे बकवासात कीती गई मैं कहना चाहना इन्ना चीजा दी टेंशन ना लीती जावे जिदो रब दे नबी दी तुसी हुरमत दी हिफाजत करन दे वास्ते चल पवोगे लोग गालियां कट दे कटी जान तुसी पक्का वादा कर लो अल्लाह जान दे जानी जानी है मर दे जाना है मगर असी दस के जावांगे कि नबी पाक तो बाद कोई भी नबी नहीं क्योंकि कुरान के अंदर फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन नबी पाक आगे नबूवत दा दरवाजा हमेशा हमेशा वास्ते बंद हो गया मेरा नबी दे इतना सोना कोई मेरे नबी नु वेख लवे नबी दा हो करके ही रह जांदा मेरे नबी दी अम्मी जान दा नाम हजरत अम्मा जी आमिना बाबा हजरत अब्दुल्ला नबी पाक नु अल्लाह ने इतनिया शाना दे मुकाम अता कीता नबी दे मुकाबले दे अंदर इंडिया चो रगड़ के लैके आगे काना जिया काना लिया के कहंदे ऐ वी नबी है एक अख वाले नु नबी बना करके बैठ गए वे गड्डी दी एक लाइट खराब होवे मोटरवे पुलिस वाले कहंदे ना ना मोटरवे दे ऊपर नहीं चढ़ सकदे वे एक अख वाले नु शाना एवें दिंदी बैठे हो मेरा पैगंबर इतना खूबसूरत है नबी दा चेहरा वेख के लोग कलो आ जांदे अज जनाब एवें कई फिरदे इन्हां नु वी कानून
दे पाकिस्तान दे अंदर हक है वे मुनहम नबी पाक दे जनाब गुलाम दा मुलक है ऐसे मुलक दे अंदर अगर आएगा ते रब दा कुरान आएगा नबी पाक दा फरमान आएगा इस तो इलावा असी किसे दूजे तीजी नू नहीं मान सकते ऐस करके मैं मुहब्बत दे नाल क्या करना वे सरकार जया सोना ना आया ना ओना ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनोना ए मैं आप ते मारा हाँ निस्बत नु मेरी वेखो वजीदे वल है मेरी निस्बत ओ फलका दा परोना ए सरकार जया सोना ना आया ना ओना ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनोना ए सोना उंगली हिलांदा ए चंद दो टुकड़े कर वखांदा ए है नबी पाक नू अल्लाह ने शाम दीती नबी पाक नू अल्लाह ने मुकाम दिता सोना उंगली हिलांदा ए पे चंद नू गेड़ांदा ए सो रब दी ओ चंद फलकी कदमां विच आया ए सरकार जिया सोना ना आया ना ओना ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनोना ए असी नबी पाक दी शान नबी पाक दी अजमत नबी पाक दी हुरमत सहाबा दी शान सहाबा दा मुकाम असी बयान करने रहने हाँ इन्हां दा शान मुकाम बयान करना ही साडी जिंदगी है अगर असी इन्हां दी अजमत शान मुकाम बयान ना करिए ऐसी